हेलो दोस्तों, टेक पीपी के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से करने वाले हैं डे इन द लाइफ, और आज होने वाला है वीडियो रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में, जो लॉन्च हो चुका है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये भी शूट हो रहा है रेडमी नोट 8 प्रो के फ्रंट फेसिंग कैमरा से, जो अभी रिकॉर्ड कर रहा है 1080p 30fps पर। और आप ऑडियो को सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा है वीडियो का क्वालिटी। काफ़ी ज़्यादा विंडी है एनवायरनमेंट, तो आप देख सकेंगे कि ये ऑडियो को कैसे फ़िल्टर करता है। तो अगर आपने डे इन द लाइफ के सीरीज़ में कोई भी वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो हम पूरे दिन के लिए इसी फ़ोन को यूज़ करेंगे, और आपको भी साथ में चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारा यूजेज कैसा है और फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है, कैमराज कैसे हैं, बैटरी लाइफ कैसी है, क्या पूरा दिन फ़ोन लास्ट कर जाता है फुल चार्ज के थ्रू। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजे, और फ़ोन को मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है सुबह से। तकरीबन 7 या 7:30 बजे मैंने चार्जर से डिस्कनेक्ट किया था फ़ोन को, और अभी शायद अराउंड 83-84% पे है बैटरी। मैंने बहुत सारे ऐप डाउनलोड किए, मेरा डेटा रिस्टोर किया है फ़ोन में, और काफ़ी कुछ टेस्टिंग कर रहा था मैं। तो तकरीबन 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट टाइम होगा, मैं स्क्रीन शॉट डाल दूँगा अभी स्क्रीन के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, उसके बाद शायद ऑफिस जाऊँगा, तो आपको भी साथ में ले चलूँगा और बताऊँगा कि फ़ोन का जो बैटरी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, और ये सारे पैरामीटर्स जो हम यूज़ करते हैं वो इस फ़ोन में कैसा है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होने वाला है, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप रेडमी नोट 8 प्रो खरीदना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो फुल्ली देखते हैं। तो हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर। तो दोस्तों, अब हम वापस घर आ चुके हैं, और टाइम है आपको एक अपडेट देने का। तो पहले बैटरी अपडेट दे देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:54 PM, और बैटरी है 60% पे। स्क्रीन ऑन टाइम जो है, मैं वहाँ यहाँ पे स्क्रीन शॉट डाल दूँगा बैटरी यूजेज का, तो आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बैटरी ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। तो तकरीबन मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे हैं, ट्विटर यूज़ किया है, कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, तो ये सब यूजेज रहा है मेरा। और कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करें, तो फ़ोन का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है इस बार, तो आप इसको 100 यूज़ नहीं कर सकते आसानी से, आपको काफ़ी दिक्कत होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और जो डिस्प्ले है वो IPS डिस्प्ले है, AMOLED नहीं है। अगर Xiaomi AMOLED डिस्प्ले दे देते इस प्राइस पॉइंट पे, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन IPS है, अच्छा है, ठीक ठाक है। सनलाइट में आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है डिस्पाइट बीइंग एन LCD पैनल, तो दैट्स प्रिटी गुड। और जो चिन दिया गया है डिस्प्ले के नीचे, वो भी काफ़ी थिन है, तो अगर आप लुक्स की बात करें तो फ़ोन काफ़ी अच्छा दिखता है, जो बेजल्स है वो बहुत ही थिन है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है फ़ोन में, उसका साइज़ काफ़ी छोटा है, तो अगर आप आपके उंगलियां काफ़ी बड़े हैं, तो वो कभी कभार मिस कर जाते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन जो स्कैनर है वो बहुत ही फास्ट है और एक्यूरेट भी है, लेकिन बस छोटा है। और एक चीज़ है, जो बैक पैनल है वो ग्लास का बना हुआ है, तो काफ़ी सुंदर दिखता है फ़ोन, लेकिन जो केस दिया गया है वो कैमरा बम को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो एग्जैक्ट सेम लेवल पे आता है, जो पता नहीं क्यों Xiaomi ने ये किया है। केस का फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता इसके वजह से। और जो केस है वो टाइप सी पोर्ट को कवर करता है एक फ्लैप के साथ, जो काफ़ी गंदा लगता है मेरे को पर्सनली, क्योंकि वो चार्जर चार्ज करते समय वो निकालना पड़ता है और वो गंदा दिखता है। तो यही कुछ चीज़ें थी अभी के लिए ऑब्जर्वेशंस। तो मैं भी घर जाऊंगा, खाना खा के फिर ऑफ़िस के लिए निकलूंगा, तो ऑफ़िस जाते ही मैं आपको कुछ और अपडेट्स दूंगा यूजेज के बारे में। तो बस अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।
तो दोस्तों अब बारी है नेक्स्ट अपडेट की। टाइम हो रहा है 2:40 और जो बैटरी है वो 56% पे है। मैं भी घर गया था, खाना खाया और खाना खाते समय मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये था कि जो हेडफोन जैक का आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है। एक तो अच्छी बात यह है कि हेडफोन जैक अभी भी मिल जाता है हमें, उसका आउटपुट काफ़ी अच्छा है। बेस हालांकि थोड़ा कम लगा मुझे, लेकिन वॉल्यूम लेवल्स काफ़ी अच्छा है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा हेडफोन जैक का आउटपुट। और साथ में इसमें टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, जो अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है जो शाओमी कर रहा है। राइट फ्रॉम बजट कैटेगरी टू फ्लैगशिप हमें स्टैंडर्ड USB टाइप सी दे रहा है, और जिस पे 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। तो ये भी अच्छी बात है अगर आप चार्जिंग टाइम जाना चाहते हैं कि तकरीबन 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि जो चार्ज होते समय जो छोटा वाला नॉच दिया गया है, ड्यूडॉप नॉच, उसमें एक नोटिफिकेशन LED भी है। तो शाओमी ने काफ़ी कुछ चीज़ें फिट कर दिया है इस छोटे वाले नॉच में, तो एक अच्छी बात है। और आपको याद होगा मैंने कहा कि बैग काफ़ी अच्छा है, जो ग्लास का बैग है देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसका जो साइड्स में फ्रेम है प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है इसमें, तो इतना प्रीमियम नहीं लगता आपको। दिखने में तो ठीक है, लेकिन वो जो मेटालिक फील है वो नहीं मिलेगा। लेकिन डे टू डे यूजेज में इससे कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाला, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छा सा कोई केस डाल दोगे तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी मेरी। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर के लिए PUBG खेलेंगे, फिर देखेंगे कि फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है। बैटरी का मैं अगेन एक अपडेट डाल दूँगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट अभी के लिए। तो चलते हैं अभी ऑफिस और मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पर। दोस्तों हम अभी ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंच चुके हैं, मैं थोड़ी देर में अंदर जाने वाला हूं। एक छोटा सा अपडेट देना था कि ऑन द वे मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा था, कुछ गाने सुन रहा था और ट्विटर पे कुछ चेक कर रहा था, और डायरेक्ट सनलाइट में मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि जो बैक है वो कभी कभी काफ़ी वार्म हो जाता है टच पे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। मैंने केस लगाया हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट वाला आता है वो काफ़ी थिन है, इसकी वजह से मैं हीट फील कर पा रहा था फ़ोन के बैक पे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ब्रॉड डे लाइट में हैं, धूप है बहुत, और अगर आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा वार्म हो सकता है बैक। दोस्तों अब बारी है थोड़ी देर के लिए PUBG खेलने की, और आप देख सकते हैं बाई डिफ़ॉल्ट गेम हाई ग्राफिक्स में इंस्टॉल हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं यूजुअली स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेलता हूँ। देखते हैं कि इसमें ग्राफिक्स कहाँ तक मिल जाता है। तो स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन अवेलेबल है इस फ़ोन में, जो इस बजट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको 60 FPS तक फ्रेम रेट्स देगा। तो अभी देखते हैं कि TDM खेलते हैं हमें गेम, और देखते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि टाइम हो रहा है 4:39 PM और बैटरी है 41% पे। मैं तकरीबन 25 मिनट से आधा घंटे के लिए गेम खेलूंगा और आपको बताऊंगा कि बैटरी कितना ड्रेन होता है ओवर टाइम, और क्या फ़ोन गर्म होता है कि नहीं बैक साइड पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है इनफैक्ट खेलते हुए, और हमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी स्मूथ है गेम। लेकिन बहुत सारे अगर एनिमीज आ जाते हैं साथ में, जैसे कोई हॉट ड्रॉप पे आप उतर रहे हैं तो थोड़े बहुत फ्रेम्स तो ड्रॉप होते ही हैं। तो अभी देखते हैं और कुछ देर के लिए खेलते हैं। और फ़ोन इतना गर्म नहीं हुआ है, हालाँकि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना बैक वार्म नहीं है, काफ़ी आसानी से आप फ़ोन को होल्ड करके खेल सकते हैं।
अभी भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है, गेम 60 FPS पे चल रहा है, जो इस प्राइस पॉइंट पे, हमें एग्जैक्ट प्राइसिंग तो नहीं पता लेकिन तकरीबन 14 या 15 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारे पास जो यूनिट है वो 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, तो रैम से वैसे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता गेम प्ले, लेकिन अगर आप पबजी बहुत ज़्यादा खेलते हैं और आपको बैकग्राउंड में भी आप कुछ ऐप यूज़ करते हैं जैसे डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं तो आप 8GB वाला वेरिएंट ही ले सकते हैं। बैटरी लेवल की बात की जाए तो तकरीबन 35 मिनट के लिए हमने गेम खेला है और हमने गेम को स्टार्ट किया था 42% बैटरी पे और अभी 29% पे आ चुका है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं आधे घंटे में 10 से 12% आपका ड्रॉप होगा और डिस्प्ले ब्राइटनेस लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। तो गेम प्ले तो अच्छा लगा हमें, पबजी के लिए काफ़ी अच्छा है। मीडियाटेक G90T चिपसेट है इसमें, जो एक गेमिंग ओरिएंटेड चिप है और यूजुअली मीडियाटेक चिप्स में हमने एक्सपीरियंस किया है कि हीटिंग इश्यूज या बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस हियर। हमें तो गेम प्ले अच्छा लगा, अब बाकी का गेम प्ले देखिए और फिर इसके बाद बात करते हैं जनरल परफॉर्मेंस। दोस्तों मैंने कुछ और देर के लिए पबजी खेला, तकरीबन 1 घंटा ऑलमोस्ट, और बैटरी 20% ड्रॉप हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, आप देख सकेंगे बैटरी स्टैट्स क्या है। तो और कुछ ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर बहुत सारे एनिमीज आ जाते हैं जैसे मैंने आपको कहा था तो थोड़ा थोड़ा लैग होता है, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि कंप्लीट स्मूथ परफॉर्मेंस है, और ऐसी चीज़ें हमें फ्लैगशिप्स में नहीं देखने को मिलते, तो मिड रेंज में एक्सेप्टेबल है कुछ हद तक। और कुछ चीज़ें हैं जैसे स्पीकर आउटपुट, वो आप आराम से ब्लॉक कर सकते हैं, स्पीकर जो है वो बॉटम राइट में दिया गया है तो आराम से आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पबजी यूजली कोई स्पीकर पे नहीं खेलता तो ये एक चीज़ है जो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो पबजी परफॉर्मेंस तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। जनरल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है पबजी परफॉर्मेंस के साथ, ऐप लॉन्चिंग में या स्विचिंग में या फिर मल्टीटास्किंग में हमें कोई भी दिक्कत नहीं मिली। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है वो 8GB रैम वेरिएंट है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। जो सॉफ्टवेयर है वो MIUI है, MIUI 10 पे है, MIUI 11 हालांकि लॉन्च होने वाला है तो आप वेट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो लाइट थीम है, मैंने इसको डार्क थीम पे सेट कर रखा है, तो आप देख सकेंगे जो नोटिफिकेशन पैनल है और जो सेटिंग्स का मेन्यू है वो सब डार्क मोड में है। हालांकि इसमें AMOLED डिस्प्ले तो नहीं मिलता, IPS है, फिर भी आप डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं। MIUI के साथ हम सभी को पता चल गया है कि एड्स आपको मिलते हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा फ़ोन पे, जो जो मेन्यू में मुझे एड्स दिखे हैं, तो आपको उसके साथ या तो यू हैव टू लिव विथ इट या फिर आप हमारे गाइड को फॉलो कर सकते हैं, हमें आई बटन में एक लिंक छोड़ देंगे हम, तो वहाँ पे जाके आप एड्स को डिजेबल कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी MIUI के बारे में। तो और एक बात ये है कि इस फ़ोन में हमें Alexa का इंटीग्रेशन मिल जाता है, तो लॉक स्क्रीन पे भी आप Alexa को ट्रिगर कर सकते हैं, अगर स्क्रीन ऑफ है तो कीवर्ड यूज़ करके आप असिस्टेंट को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। और ये एक सिस्टम फीचर है, आपको नोटिफिकेशन टॉगल भी मिल जाता है Alexa हैंड फ्री इनेबल करने का, तो ये एक चीज़ है जो नई है इस फ़ोन में। और कुछ चीज़ें की बात करें तो जी, वाइडवाइन L1 सपोर्ट इसमें है, लेकिन जो दिक्कत की बात यह है कि Amazon प्राइम वीडियो और Netflix में हमें सिर्फ 480p तक का लिमिट मिलता है, जबकि वाइडवाइन L1 होने के बावजूद ही ये काफ़ी बुरी बात है। शायद कोई अपडेट रोल आउट कर देंगे Xiaomi वाले जिससे HD प्लेबैक रिज्यूम हो जाए, तो आप में से कई लोग हमसे पूछते हैं कि वाइडवाइन का सपोर्ट क्या है, तो ये है, हमने बता दिया। और एक बात, फाइनल बात ये है कि जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, तो इस फ़ोन में हमें GCam का सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें MediaTek का चिपसेट है तो आपको स्टॉक कैमरा ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी तक के लिए तो कोई भी GCam का पोर्ट नहीं है, फ्यूचर में ज़रूर आ सकता है, अगर आ जाएगा तो हम अपडेट कर देंगे आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसमें GCam का सपोर्ट नहीं है। तो जो स्टॉक कैमरा का आउटपुट है वो मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद कैमरा सैंपल्स भी डाल दूंगा तो आप देख सकेंगे, तो जो आपको स्टॉक कैमरा आउटपुट मिलता है वही
उसी के साथ आपको जीना पड़ेगा, जी क्या नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि हम सबको पता है जी कैम बहुत इम्प्रूव कर देता है फ़ोटोज़ को। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें थी और जो हमने यूजेज में रिकॉर्ड किया। अभी मैं ऑफिस से घर जाऊंगा और फिर से देखूंगा कि क्या मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। और एक बात यह है कि अभी 542 हो गया है और बैटरी है जो है वो 21% पे आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा दिन लास्ट कर पाएगा फ़ोन। घर जाके मुझे शायद चार्जर पे लगाना पड़ेगा। और ताजुब की बात यह है कि जो Redmi Note 7 Pro आया था पिछले साल, वो सिर्फ 4000 mAh की बैटरी के साथ आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका बैटरी यूजेज थोड़ा बेटर था इससे। इसमें 4500 mAh का बैटरी मिलता है हमें। तो देखते हैं भी घर जाके कि स्क्रीन ऑन टाइम क्या है और यूजेज कैसा है, और उस पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कैसा होगा परफॉर्मेंस। मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों हम वापस आ चुके हैं घर पे और टाइम हो रहा है तकरीबन 7:10 और जो बैटरी है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, 11% पे आ गई है। लाइटिंग के बारे में मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिए, अभी शायद अच्छा लग रहा होगा। तो 7:07 है और सिर्फ 11% बैटरी बची है। हाँ, मैंने गेमिंग तो किया 1 घंटे के लिए, यूट्यूब यूज़ किया है, ट्विटर यूज़ किया है, तो ज़्यादा यूजेज नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि इतना जल्दी बैटरी ख़त्म हो जाए। तो यही सिचुएशन है अभी, मुझे घर जाके चार्जर पे तो ज़रूर लगाना होगा इसे। तो कुछ और ऑब्जर्वेशंस थी जो आपको बतानी थी इस फ़ोन के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं P2i कोटिंग से। जी हाँ, इस फ़ोन में हमें P2i का कोटिंग मिल जाता है जिससे ये स्प्लैश रेजिस्टेंट बन जाता है। ध्यान रखिए कि ये IP रेटिंग नहीं है, तो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है फ़ोन, सिर्फ स्प्लैश रेजिस्टेंट है। और बात करें कॉल क्वालिटी की, कॉल क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी लगी। हमने तकरीबन 15-20 के लिए कॉल लिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, नेटवर्क रिसेप्शन भी अच्छा है। और एक ख़ास बात यह है इस फ़ोन की कि इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। Redmi Note 7 Pro तक ये नहीं था, हमें हाइब्रिड स्लॉट मिलता था, लेकिन इस बार Xiaomi ने कंज्यूमर्स की बात सुन ली है और डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दे रहे हैं इस बार, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो यही कुछ चीज़ें थी, ऑब्जर्वेशंस थी मेरी। कैमराज के बारे में बात करें तो लो लाइट में तो सारे फ़ोन्स अच्छे करते ही हैं आजकल के। 64 MP का प्राइमरी शूटर मिल जाता है, तो आप सैंपल्स देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। लो लाइट में हम खासकर टेस्ट करना चाह रहे थे इस फ़ोन को, तो वो भी बहुत सारे सैंपल्स मैं डाल दूंगा। अगेन गुड लाइटिंग में बहुत ही अच्छे हैं, लो लाइटिंग में नॉइस लेवल्स हैं, लेकिन फाइनल आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। नाइट मोड यूज़ करके इमेजेस और ब्राइट हो जाते हैं, एक्सपोजर बढ़ जाता है। डिटेल्स की कमी है, लेकिन फिर भी लो लाइट में इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सेल्फीज़ भी ठीक ठाक आ जाता है, अगर आप बहुत सारे सेल्फीज़ लेते हैं तो भी ये फ़ोन आपके लिए अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा अननेचुरल है, लेकिन डिटेक्शन के मामले में एजेस को अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हमने ऑब्ज़र्व की इस फ़ोन को यूज़ करते समय। और एक बात यह है कि इसमें जो वाइड एंगल लेंस है उसमें डिटेल्स की कमी है, उतना अच्छा नहीं है, 8 MP का मिल जाता है। और जो तीसरा कैमरा है वो एक सिर्फ डेप्थ सेंसर है, अच्छा होता अगर Xiaomi एक टेलीफोटो लेंस दे देता। और जो चौथा कैमरा है वो एक मैक्रो मोड है, तो मैक्रो मोड में भी पिक्चर्स ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लाइट अच्छा होना चाहिए, वरना इंडोर लाइटिंग में और लो लाइटिंग में थोड़ा नॉइजी हो जाते हैं शॉट्स। और जो नाइट मोड है वो आप सिर्फ रेगुलर कैमरा पे यूज़ कर सकते हैं, वाइड एंगल पे यूज़ नहीं कर सकते, जो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा होता अगर Xiaomi वाइड एंगल को भी नाइट मोड दे देता तो और अच्छे रिजल्ट्स आते। तो कैमरा का तो बात हो गया, इसी में अच्छे कैमराज है ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन लो लाइट में आप सिर्फ रेगुलर कैमरा यूज़ करेंगे तो ही अच्छा है, अगर आप वाइड एंगल यूज़ करेंगे तो आपको नॉइजी शॉट्स आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, अभी मैं घर जाऊंगा, फिर से आपको एक अपडेट दूंगा दिन के एंड में कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर घर पे और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों समय आ गया है वीडियो को एंड करने का, और कुछ फाइनल थॉट्स जो है इस Redmi Note 8 Pro के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो प्रोज इसके हैं, इसके परफॉर्मेंस जो हमें बहुत ही अच्छा लगा, डिस्प्ले अच्छा है, बड़ा है, अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, गेम्स खेलते हैं तो
डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप जनरली पबजी खेलते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और कुछ कॉन्स की बात करें तो बैटरी लाइफ कौन तो नहीं कहूँगा, लेकिन 4500 मिली एम्पायर कैपेसिटी के लेवल पे हमें बैटरी लाइफ नहीं मिला है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। एक दिन तो शायद चल जाएगा आपका, डिपेंड्स आपके यूजेज पे। अगर आप वाईफाई पे यूज़ करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरे जैसा आप मिक्स्ड यूजेज करेंगे, वाईफाई प्लस मोबाइल डेटा और गेमिंग भी करेंगे, तो एक दिन चल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। और जो कैमरास है वो भी एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं, कैमराज मैं प्रोज में ही डालूँगा, लेकिन जो वाइड एंगल लेंस है वो सॉफ्ट है और वो लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जो प्राइमरी 64 MP शूटर है वो तो बहुत ही अच्छा है, लो लाइट में नाइट मोड मिल जाता है आपको, तो वो भी अच्छी बात है। सेल्फीज़ काफ़ी ठीक ठाक आ जाते हैं, और जो मैक्रो लेंस है वो भी अच्छी लाइटिंग में अच्छे काम कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें थी रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में। फ़ोन अच्छा है, अगेन आप परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है स्पेशली पबजी, तो ज़रूर आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जान पहचान में कोई नोट 8 प्रो लेना चाह रहा है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन से पैरामीटर में फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है। और बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।